श्योपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस नेता और राघोगढ़ विधायक ने पलटवार किया है। कहा कि राहुल गांधी के बढ़ते लोकप्रियता बीजेपी सह नहीं कर पा रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दिया था। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने विदेश दौरे पर भारत के खिलाफ विरोधी बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल को 24 घंटे नशे में रहना वाला नशेलीची और स्मैक्ची बताते हुए कहा था कि राहुल गांधी नशे में धुत रहते हुए विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के खिलाफ देश विरोधी बयान देकर देश को नीचा दिखाते हैं और ऐसा काम सिर्फ नशे में रहने वाला आदमी ही कर सकता है। शुक्रवार को कराहल दौरे पर आए कांग्रेस नेता और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए बीजेपी अब हल्के बयान दे रही है। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लगता है राहुल गांधी इसमें का नशा ज्यादा करते हैं और इसलिए जब भी कोई विषय आता है तो देश के खिलाफ बोलने का काम वो करते हैं। उनको यह याद रहता ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इस देश में रहते हैं, इस देश के लोगों ने उनको सम्मान दिया है, उस सम्मान को भी वो किस प्रकार लौटाते हैं। विदेश में जाकर हमारे देश का अपमान करना बहुत ही अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भाजपा के लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ ऐसे हल्के बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका एक ही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बढ़ती हुई लोकप्रियता राहुल गांधी जी की है वो भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। पूरे देश भर में जो परिणाम भी आए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जहाँ काफ़ी वृद्धि कांग्रेस की सीटों में हुई है, वो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी की मेहनत है उसका फल मिला है। इसलिए हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे ये जिला अध्यक्ष जो भाजपा के हों, दो केंद्र मंत्री हों जिन्होंने पहले बहुत ही हल्का बयान दिया था राहुल गांधी जी के प्रति, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2024 के पहले लगातार भाजपा का जो पूरा प्रचार तंत्र है उन्होंने जानबूझकर राहुल जी की छवि खराब करने का प्रयास किया था, षड्यंत्र का उपयोग किया था, 10 साल लगातार उन पर हमले किए थे। लेकिन उन सब हमलों के बावजूद जो ताकत राहुल जी ने दिखाई है, आज पूरे प्रदेश और देश का युवा खड़ा है जी जान से राहुल गांधी जी के साथ में। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिनके पिता की जान इस देश के लिए त्याग हुई, वो व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी जिन्होंने अपने दादी को भी एक आतंकवादी हमले में खोया था। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद जो व्यक्ति आज भी खड़ा हुआ है पूरी दृढ़ता के साथ, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे देश का भविष्य राहुल गांधी जी हैं।